नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आज की वीडियो में हम रिवोल्ट बाइक के बारे में बात करेंगे। रिवोल्ट ने दो बाइक्स लॉन्च करी हैं, RV300 और 400, और इस वीडियो में मैं आपको इसे कंपैरिजन देने वाला हूं कि कौन सी बाइक ज्यादा बेटर है पैसों के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं रिवोल्ट का, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रखा तो नीचे टाइम आ रहा होगा जहां पर मुद्दे की बात डिफ्रेंशिएशन दोनों बाइक्स का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिवोल्ट ने दो तरीके की बाइक्स निकाली हैं, RV300 और RV400, और दोनों ही बाइक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक बार में पूरा पैसा देके नहीं खरीद सकते, इसके इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं और कंपनी में ही इंस्टॉलमेंट्स बनती है, आपको किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। और तीन तरीके के इंस्टॉलमेंट्स निकाली कंपनी ने जो कि आपको नेक्स्ट 37 मंथ्स तक पे करनी है, और कंपनी कहती है 36 मंथ्स तक हम इस बाइक का बेसिक अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे और जो 37th मंथ की आपकी पेमेंट होगी वो इंटरेस्ट होगा। तो जो पहली पेमेंट है वो है 3000 रुपीज की, जो नेक्स्ट है वो 3500 और जो लास्ट है वो है 4000। 3000 में आपको RV300 मिलती है, 3500 और 4000 में आपको RV400 मिलती है जिसमें थोड़ा सा फीचर्स का फर्क आ जाता है। तो ये है इस बाइक का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं RV300 और RV400 को, और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि RV400 जो कि आपको 3500 पर मंथ देने पर मिल रही है उसमें क्या मिलेगा और जो 4000 देने पर मिल रही है उसमें क्या मिलेगा। तो जो मेन फर्क है वो है बैटरी का। RV300 की जो बैटरी है वो RV400 से छोटी है। RV300 की बैटरी में आपको 60 वोल्ट्स मिलते हैं और वहीं पे 400 में आपको 72 वोल्ट्स मिलते हैं। और वॉटेज की बात करी जाए तो RV300 में 2.7 वॉटेज है और RV400 में 3.24 है। तो यहीं पे साफ पता चल रहा है कि RV300 की बैटरी छोटी है तो उस वजह से पावर में भी ऑब्वियसली फर्क आएगा, टॉप स्पीड में और रेंज में फर्क आएगा। और जो मोटर दी गई है RV300 और 400 में उसमें भी फर्क है। जो RV300 की मोटर है वो है 1.5 किलोवाट्स की और जो RV400 की मोटर है वो है 3 किलोवाट्स की। जो दो डिफरेंस और है वो है वेट और ग्राउंड क्लियरेंस की। RV300 7 kg हल्की है RV400 से और RV300 की ग्राउंड क्लियरेंस 10 mm ज्यादा है RV400 से। अब रेंज की बात करें तो इसमें आपको तीन मोड्स मिलते हैं दोनों ही बाइक्स में, एक है इको मोड, एक है नॉर्मल मोड, एक है स्पोर्ट मोड। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चलानी है, अगर बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो इको मोड, नॉर्मल ट्रैफिक है तो नॉर्मल मोड, और आपको भगानी है बाइक तो स्पोर्ट मोड। तो अब हम बात करते हैं कि कितनी स्पीड मिलेगी आपको और कितने किलोमीटर्स मिलेंगे। तो अगर आप RV300 को इको मोड में चला रहे हैं तो आपकी टॉप स्पीड जो आप अटेन कर सकते हैं वो है 25 किलोमीटर पर आवर और जो रेंज है वो है 180 किलोमीटर। RV400 को यहीं पर अगर आप इको मोड में चला रहे हैं तो 25 की जगह आपकी टॉप स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर और रेंज रहेगी 150 किलोमीटर। फिर उसके बाद सेकेंड मोड यानी कि नॉर्मल मोड की बात करी जाए तो अगर आप RV300 को नॉर्मल मोड में चला रहे हैं तो आपकी टॉप स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर और रेंज होगी 110 किलोमीटर। और अगर आप RV400 को नॉर्मल मोड में चला रहे हैं तो आपकी टॉप स्पीड होगी 65 किलोमीटर पर आवर और रेंज होगी 100 किलोमीटर। और स्पोर्ट मोड में RV300 की टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर और ये मैक्सिमम स्पीड है, इसके ऊपर RV300 नहीं जा सकती और आपकी रेंज रहेगी 80 किलोमीटर। और वहीं पर RV400 की स्पोर्ट मोड में टॉप स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि 80 पे चलाने की जरूरत पड़ सकती है और जो रेंज होगी वो होगी 80 किलोमीटर। तो अगर आपकी स्पीड, आपको पता है कि आप 60 किलोमीटर पर आर के ऊपर जा ही नहीं सकते, आपका काम ऐसी जगह है, आपका कॉलेज स्कूल ऐसी जगह है, तो आप स्कूल नहीं सिर्फ कॉलेज RV300 ले लीजिए। और अगर आपको पता है कि आपको तेज चलाने की जरूरत पड़ती है, हाईवेज पे जाने की जरूरत पड़ती है, तो आप RV400 बाइक ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि RV400 आप जैसे कि मैंने आपको बताया दो पेमेंट प्लान्स में खरीद सकते हैं, 3500 और 4000। तो इसमें अगर आप 4000 पे कर रहे हैं तो आपको एडिशनली क्या मिलेगा मैं वो बता देता हूं। कंपनी आपको कुछ बेनिफिट्स देती है जैसे कि आप 3 साल के अंदर एक बार टायर रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। सेकंड, आपको रिमोट की मिलती है, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आपको 4000 रुपीस पर मंथ RV400 में मिलेंगे। और उसके साथ आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है, साथ ही में आपको 4G कनेक्टिविटी मिलती है जिसकी वजह से आप मोबाइल से अपना सारा बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और साथ में साउंड बॉक्स सिस्टम मिलता है। इस बाइक में एक्चुअल में 4 फेक आवाजें हैं जो कि आप अपने मोबाइल के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं बाइक रेव करते हुए। और एक बटन भी दिया गया है, अगर आप वो बटन दबा देंगे तो बाइक बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी और अगर आप बटन ऑन कर देंगे तो जो साउंड आपने सेलेक्ट कर रखी है आप वो साउंड आ सकती है बाइक ड्राइव करते हुए। वैसे नॉर्मली इंश्योरेंस मिलती है 1 साल की जीरो डेप और 3 साल की थर्ड पार्टी पर। अगर आप 4000 वाली लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस मिलती है 3 साल की जीरो डेप और 5 साल की थर्ड पार्टी। तो आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप 4000 पर मंथ वाली RV400 लेते हैं जो कि प्रीमियम RV400 है। और 3500 वाली में आपको सब कुछ सेम मिलेगा, बैटरी सब सेम होगी, स्पेसिफिकेशन सब सेम होंगी, पर ये जो मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 चीजें जो आपको बताई, टायर रिप्लेसमेंट, रिमोट की, पुश बटन स्टार्ट सॉरी 6 और 4G कनेक्टिविटी, साउंड बॉक्स सिस्टम और इंश्योरेंस, ये चीजें आपको 3500 में नहीं मिलेंगी। और हाँ, एक छोटा सा और डिफरेंस है कि RV300 की बैटरी 19 kg की है और RV400 की बैटरी 20 kg की है।
क्योंकि जरूरत पड़ सकती है बैटरी निकाल के ऊपर घर तक लाके चार्ज करने की, तो वेट भी मैटर करता है। तो आई गेस आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूजन जरूर क्लियर करूंगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। रेस्ट इसका रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत ही सुपर बाइक है। मैं ये बाइक की टेस्ट ड्राइव लेके आया, बहुत देर तक मैंने बाइक चलाई, बहुत ही ज्यादा फन टू ड्राइव बाइक है, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं रॉयल एनफील्ड चलाता हूं और मुझे बहुत जल्दी कोई बाइक पसंद नहीं आती, बट एक्चुअल में इस बाइक में अलग बात थी, थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, और जो पार थी, जो सोच थी, मतलब कि कितनी पार होगी इस इलेक्ट्रिक बाइक में, उससे ऊपर ही निकली ये बाइक, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऊपर निकली। तो अगर आपको वो टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी देखना है जो कि बहुत जल्द चैनल पे आएगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो दोबारा सोचेगा मत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की।